हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ चल रही हैं। ये यूनिट अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, बस एक से दो टॉपिक रह गए जो पेपर में आते हैं, उसके बाद ये यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कल मैंने आपको जो करवाया था ना, उसमें थोड़ी सी चीजें बता दूं एक बार फिर से, फिर अपने आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मैं इक्यू लिख रही हूं, बिटवीन टू सिस्टम्स विच आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। मैंने कल आपको यही टॉपिक कराया था, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, आज तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में जो चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि थर्मल कॉन्टैक्ट में अपने को पता है, कल वाले टॉपिक में देखो अपने ने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है दो अगर सिस्टम थर्मल कॉन्टैक्ट में है, यानी कि उष्मीय साम्यावस्था में है, तो उष्मीय साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों का एक जितना हो जाएगा, या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था स्टैट में आप नई चीज पढ़ोगे, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू की थर्मल कॉन्टेक्ट में होने पर इसकी वैल्यू भी इक्वल आती है। स्टैट में ये बोला जाता है और थर्मोडायनेमिक्स में ये तो आपको पता ही है कि ये होता है। मैंने लास्ट तक आपको मैंने दो इक्वेशन बनाई थी, एक पी सिस्टम ए, मैंने दो सिस्टम लिए थे एक बार, बस दो तीन मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ए और बी था जिसकी एनर्जी T2 लिया था, इसका T1 और E1 लिया था, बड़े सिस्टम लिए थे, छोटे ना लिए लेके, क्योंकि बड़े लेते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम इजीली पढ़ सकते हैं, छोटों में तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन इतनी जल्दी आ जाएगी कि मेजरमेंट ही नहीं हो पाएंगे। तो बड़े सिस्टम लिए, फिर उनको आइसोलेट किया ताकि सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो सके। अगर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा तो मतलब ये दोनों सिस्टम ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वही अपने को करवाना, और इनको थर्मल कॉन्टेक्ट में लिखा था। फिर मैंने सिस्टम ए के ईवन होने की पॉसिबिलिटी क्या ली थी, WC1 मैंने ये लिया था ना, C1, हाँ। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर E2 इज इक्वल्स टू C2 W2 E2, है ना। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी, P1 E2 हो जाएगी, जो कैसे होएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। फिर हमने इसको लॉग लिया था, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन भी किसके, विद रिस्पेक्ट टू E1 की, और अपने को टोटल एनर्जी पता थी E कितनी आएगी, E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि गैस या जो मीडियम या जो वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर डाला गया वो इनर्ट गैसेज है, तो इनर्ट गैसेज होने के कारण गैस आपस में रिएक्शन नहीं करेगी, इसीलिए टोटल एनर्जी सिस्टम की जितनी टेम्परेचर के कारण थी उतनी रहेगी, एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होगा। इनर्ट गैसेज लेने का फायदा ये हुआ कि गैसों ने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाई, और अगर इनर्ट गैस ना लेते, रिएक्टिव गैसेज लेते, तो गैसेज रिएक्शन करती, या तो वो एनर्जी को यूज करती, और कई रिएक्शन ऐसी होती है जो एनर्जी को रिलीज करती है, है ना, उष्मा शेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो यहां से मैंने डेल्टा ई 2/DE1 की वैल्यू निकाली थी, जिसकी वैल्यू -1 आई थी। फिर उसको आगे जब हमने पुट किया था उस वैल्यू को, तो अपने पास क्या एंड रिजल्ट बना था, मेरे पास इन जर्नल ये बना था, डेल्टा E log W1E1 इज इक्वल्स टू डेल्टा E2 log W2E2, यही चीज बनी थी ना। फिर मैंने आपको बताया था दो चीजें जब ऐसे इक्वल होती हैं तो वो जरूर किसी कांस्टेंट के इक्वल होती हैं, तो इसको मैंने मान लिया था ये β1 के इक्वल होएगा, ये β2 के इक्वल होएगा, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में β1 इज इक्वल्स टू β2 आता था, है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और देखते हैं, अगर आपके पास इतना ही क्वेश्चन है, यहाँ पेपर में लिखा है कि β1 इज इक्वल्स टू β2 है, तब तो आप इसको इतना करके छोड़ दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड है तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर आए थर्मल कॉन्टेक्ट में तो कल वाला सारा डेरिवेशन करके इतना लिख के छोड़ देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये लाइन जरूर लिखनी है कि अबव इक्वेशन में LHS और RHS एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS किसी ना किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल आएंगे, तो वो कॉन्स्टेंट मान लिया LHS β1 के इक्वल आता है, और LHS RHS जो है वो β2 के इक्वल आता है, तो इन दोनों इक्वेशन से पता चलता है कि जो दोनों चीजें मैंने β1 और β2 लिए हैं वो इक्वल आएंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन में आए प्रूफ दैट इस चीज से आपके दो क्वेश्चन पूरे होते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू 1/KT, तो आपको उसको कैसे प्रूफ करना है, तो जितना डेरिवेशन मैंने आपको कल करवाया था वो करके आप लिखोगे, क्योंकि देखो मेरी ये चीज बनी थी D/DE1 log W1E1
इक्वल्स टू डी अपॉन डी ई टू लॉग डब्ल्यू टू ई टू। डब्ल्यू और आपको ये तो पता है डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू था थर्मो डायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट, एक मैक्रोस्टेट में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। जैसे कि मैंने बॉक्स वाले एग्जांपल में दिए थे एबीसी तीन पार्टिकल दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास 2.1 एक तो ये तो क्या माइक्रो मैक्रोस्टेट है ना, कि ऊपर ऊपर से बता दिया एक बक्से में मैंने दो डाले एक में एक डाला, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो डाले कैसे पार्टिकल, एक में ए भी डाला एक में सी डाला, या एक में ए सी डाल दो या एक में बी डाल दो या एक में बी सी डाल दो एक में ए डाल दो, मतलब इस एक मैक्रोस्टेट के कोरस्पोंडिंग एक दो तीन माइक्रोस्टेट है, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक मैक्रो एक स्थूल अवस्था के संगत तीन सूक्ष्म अवस्थाएं आने की प्रायिकता बनी है, ये कंडीशन भी हो सकती है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ से मैंने आपको फिर क्या बताया था, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू के इक्वल आता है, तो इतना लिखने के बाद आप इन जर्नल लिखोगे, इसको भी किसी बीटा वन के इक्वल लिख दोगे, इसको किसी बीटा टू के इक्वल लिख दोगे, फिर आप लिखोगे सो बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू। तो ये तो आपको थर्मल कॉन्टैक्ट में करना, और अगर आपको थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं करना, आपको पेपर में आता है कि प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 1/kT, तब आप कैसे करोगे, तब आप कैसे करोगे, इसमें लिखोगे ये चीजें छोड़ दोगे, ये दो स्टेप जो आपको लिखवाए हैं आप यहाँ पे लिखोगे, इन जर्नल क्या चीज बनेगी थ्योरी लिख के कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी ना किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होंगे, तो इन जर्नल क्या बनेगा, D अपॉन डी ई, मैं इवन ई टू छोड़ देती हूँ, लॉग डब्ल्यू ई इज इक्वल टू किसी बीटा के इक्वल आएगा। अगर ये किसी बीटा के इक्वल आ रहा है तो मुझे पता है बीटा इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती है, जैसे ए बी सी पार्टिकल को 2.1 में बांटना है, मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, ठीक है, तो ए बी सी ए सी बी बी सी ए, तो 2.1 के लिए 3 बने और टोटल मैक्रोस्टेट मैंने कल आपको बताया तो 3/8 बनते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है ना। अगर मैं जनरली बात करूं, इन जनरल मुझे पता है कॉन्स्टेंट पड़ा ऊपर बिट्टा के, कॉन्स्टेंट अपॉन एनर्जी है, यही है ना, एक एनर्जी पड़ी है, कॉन्स्टेंट अपॉन एनर्जी इज इक्वल टू किसके आया है बिट्टा के, तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ ये चीजें, मैं इरेज कर रही हूँ एक बार, तो आप जनरली बात क्या करोगे, बीटा इज इक्वल्स टू क्या चीज आ रहा है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ एनर्जी कर दो, या बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कर सकती हूँ। अगर बीटा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बीटा की यूनिट कितनी आई, एनर्जी की यूनिट अगर जूल है तो जूल इनवर्स आ जाएगी, तो यहां से ही बोल्ट्जमैन ने एक फिनोमिना निकाला था कि बीटा जरूर किसी 1/kT के इक्वल आएगा, जहां k क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 × 10⁻³³ जूल पर केल्विन आती है, ठीक है, और टेम्परेचर की यूनिट भी क्या है, अगर केल्विन ले लूं तो मुझे पता चलेगा बीटा इज इक्वल टू 1/ कांस्टेंट, यानी कि इसकी यूनिट लिख दूं जूल अपॉन केल्विन इनटू केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, केल्विन टू कैंसिल, तो 1/ जूल आ गया, मतलब बीटा की यूनिट यहाँ से भी किसकी इनवर्स आ रही है जूल की, और एनर्जी भी यहाँ पे भी किसकी इनवर्स आनी चाहिए थी जूल की, तो यहाँ से पता चलता है इस इक्वेशन को जब हम जनरली सोल्व करते हैं तो पता चलता है बीटा क्या कॉन्स्टेंट अपॉन एनर्जी है, मतलब बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बनेगा, यानी बीटा की अगर मैं यूनिट निकालूं तो जूल इनवर्स बनेगा। तो यहाँ से बोल्ट्जमैन ने एक फिनोमिना निकाला था बोल्ट्जमैन ने कि अगर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तब भी एनर्जी की यूनिट ही आ रही है, तो बीटा की यूनिट सेम रह रही है, तो जब अगर आपके पेपर में आए बीटा इज इक्वल टू 1/kT प्रूफ करना तो आप यहाँ पे लिखोगे, इतना लिखोगे सो बीटा इज इक्वल टू 1/kT, यहाँ से आता है क्योंकि एनर्जी इनवर्स के इक्वल है, तो साइड में आप लिख के दिखाओगे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट k की वैल्यू होती है ये, और अगर टेम्परेचर की यूनिट भी केल्विन है तो जूल पर केल्विन इनटू केल्विन, केल्विन टू केल्विन कैंसिल, बीटा की यूनिट क्या है 1/ जूल, यानी बीटा की यूनिट कितनी है जूल इनवर्स, और यहाँ से भी बीटा की यूनिट कितनी आई थी जूल इनवर्स, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है तभी इसका जूल इनवर्स आता है। तो ये पेपर में अगर ऐसे है तो आपको ये करना है। अब अपने नया टॉपिक करते हैं, और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, अगर आपने 5 ईयर खोल के देखे तो आपको पता है जो टॉपिक करवा रही हूँ सारे आए हुए हैं, एंट्रोपी एंड
थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? W। और अगर इसकी डेफिनेशन आए तो हमें वो भी पता है, वो क्या होती है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट। इसका एक और नाम भी आ सकता है, और इसका नाम क्या आएगा? बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन। ये जो नाम है ये बहुत कम चांसेस आने के, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन, या और सीधा लिखे आता है S इज इक्वल्स टू के एल एंड W। प्रूफ करो। तो पेपर अगर फाइव ईयर खोले तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, S इज इक्वल्स टू के एल एंड W। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आते हैं, तो हम अपने इसी को प्रूफ करेंगे। तीन नाम से आ सकता है, पहला नाम रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, जहां एंट्रोपी क्या होता है? S, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। और अगर इस इक्वेशन में भी देखोगे तो S और W के अंदर एक रिलेशन आ रहा है, जहां K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और ये एंट्रोपी की एक इक्वेशन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस जस के अंदर, और बोल्ट्जमैन ने ही इक्वेशन दी थी, इसीलिए इस इक्वेशन का एक और नाम भी है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन। तो तीनों नाम आप ध्यान रखोगे, या तो S इज इक्वल टू K लो, W प्रूफ करना आ सकता है, या पेपर में आ सकता है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन लिखो, या पेपर में आ सकता है रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखो मुझे पता है एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को हिंदी में भी एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, यही होती है ब्रह्मांड की अव्यवस्था का माप, यही होती है ना, जितनी अव्यवस्था है उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक हमारे पास किसी वेसल के अंदर लिक्विड पड़ा है, एक वेसल के अंदर गैस पड़ा है, एक वेसल के अंदर कोई सॉलिड पड़ा है, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, तो जिसके अंदर अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। सॉलिड की एंट्रोपी क्या सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे एटम्स हैं वो एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड है कि बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, इसीलिए एंट्रोपी की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके से सब जगह पर रेगुलर अरेंजमेंट चल रहे हैं। लिक्विड देखिए तो हाँ इसके अंदर भी अव्यवस्था है, लेकिन गैस देखिए तो गैस के अंदर सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। सो एंट्रोपी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। एंट्रोपी होती क्या है? ऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी अव्यवस्था है, प्योर हिंदी में उसको ये बोलते हैं, ब्रह्मांड में अव्यवस्था के माप को ही एंट्रोपी बोलते हैं, और आपने यही चीज बार बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर मैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी देखूं तो एक तरीके से थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी को प्रोबैब लिखती हूँ, वो भी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी यही होती है कि एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती, वो बस एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन खड़ी कर देती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। देखो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को आपको पता है कि वो कभी भी एग्जैक्ट जगह नहीं बताती, जहां पे प्रोबेबिलिटी बोली ना कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकती है, फेस स्पेस पढ़ते हैं वहां पे भी प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है? एग्जैक्ट जगह नहीं बताती, वो बस एरिया बता देती है कि इस जगह पे कुछ हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर ये दोनों ही एक अनसर्टेनिटी है तो बोल्ट्जमैन ने सोचा कि इन दोनों अनसर्टेनिटी को एक दूसरे की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? जब आप टॉपिक लिखोगे तो आपको ये डेफिनेशंस लिखनी है कि वी नो दैट एंट्रोपी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, ब्रह्मांड की अव्यवस्था के माप को ही एंट्रोपी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी को ही दिखाती है, कभी सर्टेनिटी का मतलब होता है कि एक चीज को एग्जैक्टली बता देना, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट जगह या एग्जैक्ट लोकेशन ना बता के एक कंडीशंस खड़ी कर देना कि इस जगह पे हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट चीज ना बता के किसी चीज में अनिश्चितता बताने की, हाँ यहाँ ऐसा हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट चीज नहीं बताती। तो बोल्ट्जमैन ने सोचा अगर ये दोनों ही एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, तो इन दोनों को किसी रिलेशन में लिख सकते हैं। सो बोल्ट्जमैन ने ये इक्वेशन दी थी, इसीलिए इसको बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन भी देते हैं।
बोलते हैं, इसीलिए बोल्टमैन ने बोला कि अगर एंट्रोपी भी एक तरीके से अनसर्टेनिटी ही है, डिसऑर्डरनेस है, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी डिसऑर्डरनेस है, तो एंट्रोपी और डब्ल्यू के अंदर ये रिलेशन हो सकता है। सो एंट्रोपी और डब्ल्यू एक दूसरे की फॉर्म में लिखी जा सकती है, कैसे? सो एंट्रोपी एस एंड डब्ल्यू यानी कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी टी एच पी आर लिख देती हूँ, कैन बी रिटन एस, कैसे? एक दूसरे का फंक्शन बना दो क्योंकि दोनों ही अनसर्टेनिटीज हैं, तो एस इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है? यहाँ डब्ल्यू क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर एक। बोल्ट्जमैन ने इक्वेशन दी थी और बोल्ट्जमैन ने देखा कि एंट्रोपी भी एक तरीके से अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, दोनों ही अव्यवस्था ही है एक तरीके से, एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रही, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो एस कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा है तो बोल्ट्जमैन ने लिया कि हमारे पास, मान लिया कि दो सिस्टम है, एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, ठीक है? पहले सिस्टम में कुछ हमारे पास, मतलब कोई सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स डाले हुए हैं, दूसरे सिस्टम के अंदर भी कोई पार्टिकल डाले हुए हैं। तो बोल्ट्जमैन ने माना पार्टिकल है मतलब अव्यवस्था होगी, तो पहले सिस्टम की अव्यवस्था एस ए है, दूसरे सिस्टम की अव्यवस्था एस बी है, मतलब जो पहला ए सिस्टम था उसकी एंट्रोपी एस ए ले ली, बी सिस्टम की एंट्रोपी एस बी ले ली। सिमिलरली इसने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ली कि अगर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू बी है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए डब्ल्यू ए। वापस से देखते हैं, एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। दोनों एक तो इस तरीके से अनसर्टेनिटी है, तो बोल्ट्जमैन ने बोला है दोनों को एक दूसरे की फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एस कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, एस इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू, एफ यहाँ पे फंक्शन को शो कर रहे हैं। तो फिर क्या लिए? दो सिस्टम लिए, पहला सिस्टम मान लिया ए है, दूसरा सिस्टम मान लिया बी है, तो पहले सिस्टम की एंट्रोपी एस है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ए। सिमिलरली सिस्टम बी के लिए एंट्रोपी एस है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू बी। तो सिस्टम ए के लिए, फॉर सिस्टम ए, इक्वेशन वन क्या बनेगी? जहां पे एस इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू था, तो इक्वेशन वन की वन क्या बनेगी? एस ए इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू ए का बन जाएगी। तो इसको दे लो इक्वेशन नंबर टू, फॉर सिस्टम बी क्या बनेगा? एस बी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू बी, इसको क्या दे लो समीकरण नंबर तीन। अपने को रिलेशन किस में बनाना है? एस और डब्ल्यू में, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी दोनों सिस्टम की। कल वाला टॉपिक अगर आपको ढंग से पता है तो आप यहाँ पे खुद बता सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। प्रोबेबिलिटी को मैं डब्ल्यू ए लिख दू क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी यही है, एफ डब्ल्यू ए भी लिख दी, यहाँ पे ए और बी एक साथ आना शो कर रहे हैं कि दोनों सिस्टम की कंबाइंड बात कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, एफ डब्ल्यू ए डॉट एफ डब्ल्यू बी। अब ये क्यों आई बताती हूँ आपको, इसको आप इक्वेशन नंबर चार देके छोड़ लो। आपको पता टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने ऐसे क्यों ली? देखो मान लिया कि आपके पास दो एक रुपए के कॉइन है, ठीक है, दो वन रुपी कॉइन है और दो आपके पास पांच रुपए के कॉइन है, दो कॉइन है, ठीक है। पहले कॉइन पे हेड हेड आ सकता है, एक रुपए के दोनों कॉइन पे, या एक पे हेड एक पे टेल, या दोनों पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। सिमिलरली पांच रुपए के कॉइन पे भी यही चार कंडीशन बनेगी, हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल। अब देखो अगर मैं पहले तो ये दोनों सिक्के अलग उछाले तब ये केस बनी, एक के दोनों सिक्के उछाले, पांच के दोनों सिक्के उछाले तो ये केस बने। अब अगर मैं क्या करूं, पांच रुपए के भी दोनों सिक्के और एक रुपए के भी दोनों सिक्के, यानी चारों सिक्के एक साथ उछालू, तो मुझे पता है एक रुपए के दोनों सिक्कों पे अगर हेड हेड आता है, उसके पास पांच रुपए के सिक्कों से कितनी कंडीशन बन सकती है? एक हेड के साथ ये चार कंडीशन बन सकती है, या तो पांच रुपए के दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पे हेड पहले पे टेल, या दोनों पे टेल टेल आ जाए, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे दोनों पे टेल टेल हो तब भी यही चार कंडीशन बनती है, और अगर मैं यहाँ पे टेल और हेड लू तब भी चार यही कंडीशन बनती है, हेड और टेल लू तब भी चार यही कंडीशन होती है। तो चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार,
चार बार बने, यहाँ पे भी चार कंडीशन, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, तो टोटल कंडीशन बनी 16, जो कि इस चार कंडीशन और इन चार कंडीशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आती है। जो भी सिस्टम ले लो, कैसा मर्जी ले लो, टोटल प्रोबेबिलिटी इनको गुना करने पे भी उतनी आएगी जितनी केसेस बना के आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या ली है, इस तरीके से लिया। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये बस आपके समझने के लिए है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैसे ली, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे ली, दोनों प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई, और उसी तरीके से मेरे पास टोटल एंट्रोपी कितनी बनेगी, टोटल एंट्रोपी एस ए बी लिख दू, दोनों सिस्टम की एक साथ बात कर रहे हैं, एंट्रोपी जितना डिसऑर्डरनेस इसका होगा उतना ही किसी इसका होगा, तो दोनों को ऐड कर दू, एस ए प्लस एस बी लिख सकती हूँ। तो इसको क्या दे लू, इक्वेशन नंबर 5, है ना, यही चीजें बनेगी। तो देखो, तो अगर मैं दोनों सिस्टम की बात करूं, सो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन को आर एल लिख रही हूं, बोथ सिस्टम्स, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ सिस्टम, रिलेशन बिटवीन एस एंड डब्ल्यू फॉर बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम के लिए S और W के बीच में रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, S A B is equals to F W A B आ जाएगा, जैसे कि पहले इक्वेशन से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइड पे लिख दो। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 से ये है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाई, यहाँ पे 4 और 5 नंबर इक्वेशन कुछ बनाई है मैंने, ये रही चौथी इक्वेशन और ये रही पांचवी इक्वेशन। तो मैं अगर इन दोनों को यहाँ पे यूज करूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या चीज बनेगी, एस ए बी की जगह एस ए प्लस एस बी लिख दू, ये भी टोटल एंट्रोपी थी, इसके इक्वल थी, दोनों एंट्रोपी इसके सम के, और टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आती है, एफ डब्ल्यू ए डॉट एफ डब्ल्यू बी के इक्वल आती है। और अब मैं इन दोनों चीजों को अगर मैं समीकरण 2 और 3 देखूं, तो मुझे पता है मैं एस ए और एस बी की वैल्यू भी रख सकती हूँ। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगी तो मुझे पता है एफ डब्ल्यू ए प्लस एफ डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू ए डॉट एफ डब्ल्यू बी आर, यही चीज बनी मेरे पास। तो मैं इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर कितनी बनेगी, 6, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 6। अब जब अपने इतना सॉल्व कर लेते, जितनी हम वैल्यूज रख सकते हैं रख लेते हैं, उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं, या यहां पे करें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए, अगर मैं W के रिस्पेक्ट करूं तो यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे F डैश W A बन जाएगा, प्लस इसका करूंगी तो ये तो उसके लिए एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू यहाँ पे करूंगी तो यहाँ पे F डैश A एक बार यहाँ पे पड़ा रहेगा, F डैश W A डॉट W B, ठीक है, F W B, ये चीज ही बनेगी मेरे पास। और अगली बार मैं जब इसका करूंगी, प्लस का लिखती हूँ मैं, U इंटू V से करूंगी तो 0 इंटू एफ डब्ल्यू ए बनेगा, तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना। तो वो टर्म मैं लिख रही, मैंने यहाँ पे लिख ही दी, चलो। तो यहाँ से अब देखो मेरे पास क्या चीज बनेगी, F डैश W A इज इक्वल टू F डैश W A इंटू, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, W B लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको फंक्शन हटा के एक बार W B लिख दिया, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर कितनी आएगी आप लगा लो जैसे आपके मन करे, इक्वेशन नंबर बनी 7। सिमिलरली जब मैं इक्वेशन नंबर 6 का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू बी करूंगी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू बी, जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पता है क्या बनेगा, जैसा कि उस इक्वेशन में बना था, इक्वेशन नंबर 6 में। देखो इसको करते टाइम ना यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक बार मैं इस चीज को रब कर रही हूँ, वो मिस्टेक क्या है अपने वो देखते हैं। देखो इसको करते हैं, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 6 मत देना,
देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय इसको मैं अगर ऐसे ही पढ़ा रहने दूं, ऐसे ये सोल्व नहीं होएगा। एफ डब्ल्यू ए प्लस एफ डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी रहने दूं, तब ये इक्वेशन सोल्व हो सकती है। देखो इन सबको सोल्व करने का स्टैट में, हर एक टॉपिक को सोल्व करने के अपने स्टेप्स हैं, इसीलिए स्टैट थोड़ा टफ मानी जाती है, क्योंकि हर टॉपिक का आपस में कुछ इंटरलिंक नहीं होता, लेकिन टॉपिक को करने का तरीका वही रहना चाहिए। अगर चेंज कर देते तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखने के बजाय, यहाँ पे इसको चेंज करने के बजाय इसको आप ऐसे ही रहने दो कि यहाँ पे आप एफ डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कर दो, और यहाँ पे भी इसको एफ डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी ही रहने दो, ठीक है। जब आप ऐसे ही रहने दोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी ये। देखो अगर आप इसको भी खोल के लिखोगे ना तो ये सॉल्व नहीं होगा, और बोल्ट्जमैन ने जिस हिसाब से इसे सॉल्व किया था अपने वही कर लिया, इसीलिए स्टैट थोड़ी टफ मानी जाती है, क्योंकि इसको हर टॉपिक को करने का तरीका चेंज नहीं करना, अगर करेंगे तो फिर सॉल्व ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर बनी 6। तो अब अपने करते हैं, तो ये स्टेप्स भी अलग आएंगे। इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू, मैं करूंगी वही तरीका वही है, इक्वेशन नंबर 6 का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए करूंगी डिफरेंशिएशन। तो मुझे पता है इक्वेशन नंबर 6 क्या है, एक बार वही लिख रही हूँ मैं, एफ ए प्लस एफ डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी, ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखो मुझे पता है मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी किसके रिस्पेक्ट, डब्ल्यू ए के। तो मुझे पता है यहाँ पे बनेगा एफ डैश डब्ल्यू ए, फंक्शन का डैश लग जाता है, प्लस इसका बन जाएगा जीरो क्योंकि ये एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, तो कॉन्स्टेंट का जीरो इसका करूंगी तो यहाँ पे बनेगा एफ डैश डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी, ब्रैकेट इनटू में साथ में एक डब्ल्यू बी आएगा। ये कैसे आएगा ये चीज मैं आपको बताती हूँ। ये इक्वेशन नंबर बनी 7। देखो डब्ल्यू क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट। तो जब मैंने एफ डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी का किया तो फंक्शन का किया तो एफ डैश आ गया डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी, ठीक है। तो मैं अब इसका करूंगी डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी का करूंगी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए, यानी डेल बाय डब्ल्यू ए लिख दो। तो मुझे पता है जब मैं इसका करूंगी तो डब्ल्यू ए डॉट अपॉन डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी एक रह जाएगा, तो ये दोनों का तो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं डब्ल्यू ए करूंगी इसका तो ये तो एज अ कॉन्स्टेंट डब्ल्यू बी बाहर आ जाता है ना, तो WB एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी है, इसीलिए WB यहाँ पे बाहर आती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का फंक्शन का, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी x और y में कोई फंक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आया। कैसे आता है कि जब हम WA और WB का भी करते हैं तो मुझे पता है WA के रिस्पेक्ट में किया तो डेल्टा WA अपॉन WA, और WB यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट रहा तो वो बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे ही बन हो जाएगी, इसीलिए साथ में WB आता है। देखो ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। मैथ्स का कोई फंक्शन नहीं है fxy में, किसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप सॉल्व करो कि ये बन नहीं सकता, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी है, एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी। तो इसको मैं क्या ले लू, इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली जब मैं इक्वेशन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके करूं, डब्ल्यू बी के, तो मुझे पता है ऐसा ही कुछ बनेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या चीज बनेगी, यहाँ पे भी सेम इस इक्वेशन का कर रही हूँ, तो मुझे पता है जब मैं इसका करूंगी डब्ल्यू ए वाले का तो जीरो प्लस एफ डैश लिख दू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखेगा कि एक थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसीलिए जब डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी का करोगे तो डब्ल्यू बी तो कट जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी वन हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू ए का कुछ रह जाएगा, यानी डेल बाय डब्ल्यू ए सॉरी बी डब्ल्यू बी, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है एक ही आएगी, और डब्ल्यू ए एक कॉन्स्टेंट चीज रह जाएगी, जो बाहर लेके किया हुआ तो वो एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटीज है, इसीलिए इस तरीके से इनको सॉल्व किया। तो ये आई इक्वेशन नंबर 6। तो मुझे पता है मुझे रिलेशन किसके बीच में बनाना है, एस और डब्ल्यू के बीच में। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन का सॉरी इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी,
अपॉन में इक्वेशन नंबर 8 का डिवाइड लगाना है एफ डैश डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए एफ डैश डब्ल्यू ए डॉट डब्ल्यू बी। ध्यान से देख लो, 7 जो चीज थी वो लिखी और 8 जो थी वो लिखी, दोनों को डिवाइड लगाना था इसलिए ऐसे कर दिया। अगर ये इस तरीके से बना तो मुझे पता है ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, एफ डैश डब्ल्यू ए बी एफ डैश डब्ल्यू ए बी। तो मेरे पास फाइनल क्या बना, एफ डैश डब्ल्यू ए अपॉन एफ डैश डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। तो यहां से मुझे पता, अगर इसको मैं सिंपल करूं तो एफ ए एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी एफ डैश डब्ल्यू बी। अब देखो सेम चीजें बन रही हैं, क्या सेम चीजें बन रही है, बस ए बी का फर्क है। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी उसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। मतलब एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल तभी आ सकती हैं जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल आए। और ये कांस्टेंट किसने दिया था, ये इक्वेशन किसने दी है, बोल्ट्जमैन ने। तो मतलब ये किस कांस्टेंट के इक्वल आएंगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन अबव इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल आए। ऐसा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 11th क्लास में बहुत बार किया है, वही चीज यहाँ पे करें। और अगर आपने नहीं किया तो आपको मैं अभी बता देती हूँ, अगर कोई चीज इस तरीके से एक दूसरे के इक्वल आती है, सेम चीजें हो लेकिन ए बी यहाँ पे 1-2 आ सकता था, तो आए ऐसा तो वो किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल ही आती है। सो मैं अगर जनरली बात करूं तो डब्ल्यू, सो इन जनरल लिखना कि मैं ए बी ना लिखे, सीधा सिस्टम ही ले लूं, सीधा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ही ले लूं, तो डब्ल्यू एफ डब्ल्यू मतलब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी फिर फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट के, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने इक्वेशन दी थी इसलिए बोल्ट्जमैन ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल लिया, इज इक्वल टू के आया। तो यहां से एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के अपॉन डब्ल्यू। अब अगर मैं इस इक्वेशन का क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो मुझे पता है जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू के, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं होगा, 1/w का क्या आएगा, एल एंड डब्ल्यू प्लस लिमिट ना आने के लिए कोई कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू के एल एंड डब्ल्यू आया। तो जनरली मेरे को इक्वेशन नंबर 1 से पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने शुरू शुरू में ली थी उससे मुझे क्या चीज पता चली, मैं ये चीज एक बार इरेज कर लूं, मैं इधर लिख लूं ये चीज, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ही रह गया, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या जाए, यहां से यहां पे लिख रही हूं, ठीक है। तो यहां से मुझे जनरली पता है मैंने एस क्या माना था, एफ डब्ल्यू के इक्वल लिया था। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इस इक्वेशन में जब मैंने ये वैल्यू रखी तो एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी के इक्वल आया। सो फॉर परफेक्ट ऑर्डर, मतलब अगर मैं लिमिट लगा दू तो मुझे पता मुझे लिमिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी जीरो हो जाएगा। तो यहां से एस की वैल्यू क्या आएगी, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। इसको मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, जल्दी से इसका रिवीजन ले लेते हैं और ये टॉपिक जो आपको पूछा गया था वो यहाँ से आएगा। देखो थोड़ी सी टेढ़ी चीज जरूर है क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, इस चीज को मैं एक बार इरेज कर, चलो पढ़ा लेते हैं। देखो इसने क्या लिया, पेपर में टॉपिक क्या आएगा, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्रूफ करना है। तो मुझे पता है कि एंट्रोपी भी एक तरीके की डिसऑर्डरनेस है और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी डिसऑर्डरनेस है। तो बोल्ट्जमैन ने देखा कि अगर ये दोनों ही डिसऑर्डरनेस है तो इन दोनों को एक दूसरे के फंक्शन में के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एस को एफ डब्ल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दिया आपने। फिर हमने देखा अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक ए और एक बी, तो उसकी एंट्रोपी एस है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ए, एंट्रोपी बी की एस बी, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू बी। तो मैं एस ए के लिए इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से लिख सकती हूँ और सिस्टम बी के लिए इस तरीके से लिख सकती हूँ। टोटल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैंने एग्जाम्पल से भी बताई कि वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है, टोटल एंट्रोपी तो हमेशा सम ही होती है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब मैं दोनों सिस्टम के लिए एक साथ बात करूं, सिस्टम ए और बी के लिए इकट्ठा, तो मुझे पता है एस ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी इक्वेशन 1 की तरह। तो मैंने वो वैल्यूज रखी और फिर इसको मैंने क्या किया, जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी, मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू ना रखी, एफ डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी ही रहने दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्योंकि प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशिएशन किया है, और कैसे ये डब्ल्यू बी आ गया है मैंने आपको एक जनरल तरीके से बताया भी है। तो वो इक्वेशन बनी और यहाँ पे सिमिलरली इसको जब मैं डब्ल्यू बी के रिस्पेक्ट करूँ तो ये इक्वेशन बनी। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाया,
डिवाइड लगाने के बाद ये फाइनल रिजल्ट बनी जो कटने थी, कटने के बाद। तो यहाँ से मैंने स्क्वायर से लिखा। तो जनरली मुझे पता है दो इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल तभी आती है जब किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल है। तो मैंने कॉन्स्टेंट के इक्वल लिखने के लिए के मान लिया, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने इक्वेशन दी थी इसलिए बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के इक्वल आई है। तो के इक्वल आने के बाद एफ डैश इज इक्वल टू दिस। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन तो सोल्व करना आता, तो इंटीग्रेशन बनेगा ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग। और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हुआ तो इंटीग्रेशन सीधा फंक्शन आ जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। तो जनरल जो इक्वेशन नंबर एक से थी मैं उसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, एस इज इक्वल टू दिस बना। सो फॉर परफेक्ट ऑर्डर अगर मेरे पास कोई लिमिट होती यानी परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम होता तो उसके लिए सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाती, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू आता। तो इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व करनी है, सिंपल सी इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।